खबर है यूपी से, जहां योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाना ही ग्राम प्रधान का उद्देश्य। यहां खबर है यूपी के बस्ती जिले के मुंदेरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहड़ा ब्लॉक बनकटी के ग्राम प्रधान ने कराया गांव को सैनिटाइजर। लगा चुके हैं 1310 पौधे। प्रधान अली मोहम्मद ने कहा कि ग्राम सभा में जल निकासी का समस्या होगा। नाली का निर्माण 6 पोखरे हैं जिसका सुंदरीकरण आज तक नहीं हुआ, जिसे हम पूर्ण करेंगे। कहा कि बनेगा विवाह घर, सभी गरीब लड़कियों के लिए भेजेंगे अनुदान के लिए प्रस्ताव। गांव में उजाले के लिए लगेगी सोलर लाइट। प्रधान अली मोहम्मद ने बताया कि 99% लोग लगवा चुके हैं कोरोना की वैक्सीन। कहा सभी पात्र व्यक्तियों को मिलेगा आवास, शौचालय, सोखता, पशुचरण। प्रधान अली मोहम्मद ने बताया कि सभी पात्रों को दिलाएंगे पेंशन योजना का लाभ। सरकार से मिलने वाली हर योजना का लाभ जन जन तक पहुँचाना ही हमारा उद्देश्य है। देखे मुंदेरवा से चंद्रकांत पांडे की यह रिपोर्ट। पेयजल के लिए आपने कुछ पेयजल का जो है ऐसा पुराने प्रधान द्वारा जो है दिया गया था, जिससे अभी जो है पास हो गया है, अभी जाना है थाने में, मामला हो गया तीन साहब का। अच्छा, इसमें आंगनबाड़ी के बारे में बताइए, बारात घर, ये दोनों भी आवश्यक दर्जे पे लोगों की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बारात घर भी लोगों के पास समझ लीजिए बारात टिकाने का जगह भी नहीं है। ये भी हम जो है प्रयास करेंगे कि बारात घर बने, आंगनबाड़ी का केंद्र बने। और तालाब वगैरह के बारे में, तालाब तो अभी तक तो हमारे देखने में तो नहीं हुआ है बहरहाल, लेकिन हम प्रयास करेंगे तालाब का अच्छा यहाँ जो है काम करवाएं। गाँव का पानी कहाँ जाता है? गाँव का पानी तालाब में जाता है, लेकिन इसी के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि जटिल समस्या है। सोखता वगैरह भी बनवा सकते हैं? हाँ, सोखता वगैरह तो जो है अभी हाथ में आया है, अभी प्रयास करेंगे। वो गरीब लड़कियों के लिए शादी का अनुदान मिलता समाज कल्याण विभाग, अभी जो गरीब लड़कियां हैं वो भी हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनको जन कल्याण विभाग में लेटर दे करके उनको जो है पैसा प्रदान करवाऊँ। और सरकार की तमाम योजनाएं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती, उसको जो है आप लोग के माध्यम से जो भी जानकारियां और जो ब्लॉक की तरफ से जानकारियां होंगी वो जो है हम उस पर काम करेंगे।